हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड, जिसका नाम टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पहले पहले बॉटनी है। उसमें मैंने आपको बताया एपोस्पोरी एंड एपोगेमी को दो वीडियोस में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन ने पहले वीडियो में एपोस्पोरी का अध्ययन कर लिया, तब हम दूसरे वीडियो में एपोगेमी को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये आपकी स्पोरोफाइट था, इससे आपका क्या बनता था, स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी। उसमें ये स्पोर बनते थे किसके द्वारा, मेयोसिस यानी अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा। ये स्पोर अंकुरित होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं यानी युग्मकोद्भिद। फिर इसमें आपके पुंधानी, जिसमें कि आपके एंथ्रेजोइड यानी कि नर युग्मक, और स्त्रीधानी जिसमें आपके मादा युग्मक यानी कि एग एग का निर्माण होता था। ठीक है, और ये नर युग्मक मादा युग्मक फ्यूज होकर करके जायगोट का निर्माण करते थे, जो डेवलप होकर के वही स्पोरोफाइट का यानी बीजाणुद्भिद का निर्माण करता था। इसमें आपके जड़ तना पत्ती रूट स्टेम लीफ पाई जाती थी। तो नॉर्मली हो क्या रहा है, गैमेटोफाइट में देखो ये गैमेट बने और इनके फ्यूजन से जायगोट, फिर ये स्पोरोफाइट। परंतु कभी कभी क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट होता है ना, इस गैमेटोफाइट में इन दोनों गैमेट के फ्यूजन के बिना ही, ठीक है, इस स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है ना, इसका डेवलपमेंट फ्रॉम गैमेटोफाइट, ठीक है, इस गैमेटोफाइट से विदाउट फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट बन तो रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बन तो रहे, परंतु फ्यूजन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तब आप देखो इस कंडीशन में होगा क्या, नॉर्मली जब ये जो गैमेटोफाइट है, इसमें ये नर युग्मक बना एंथ्रेजोइड, ये हैप्लोइड, ठीक है, और ये मादा युग्मक यानी ये एग बना, ये भी हैप्लोइड, दोनों फ्यूज होकर क्या हो जाते हैं, डिप्लोइड यानी 2n, और उससे ये स्पोरोफाइट बन रहा है, तो ये स्पोरोफाइट भी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, परंतु इस एपोगेमी कंडीशन में क्या हो रही है, फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा। जब फ्यूजन नहीं हो रहा तो ये और बन गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, तो ये हैप्लोइड गैमेट नर युग्मक, ये भी हैप्लोइड गैमेट मादा युग्मक, ठीक है, तो इससे यदि स्पोरोफाइट बनेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, फिर हैप्लोइड, और इससे यदि स्पोरोफाइट बन रहे तो वो भी क्या हो जाएगा, हैप्लोइड। मतलब लेवल ऑफ प्लोइडी गुणिता का, हैप्लोइड का मतलब अगुणित, लेवल ऑफ प्लोइडी स्पोरोफाइट की, लेवल ऑफ प्लोइडी यानी गुणिता का जो लेवल होगा वो क्या होगा, जो गैमेटोफाइट की गुणिता का लेवल होगा वही क्या होगा, इस स्पोरोफाइट की गुणिता का लेवल होगा। मतलब अगर गैमेटोफाइट हैप्लोइड है तो ये भी क्या हो जाएगा, हैप्लोइड, ये डिप्लोइड तो ये भी डिप्लोइड। फिर अब आप देखो इसकी खोज, इसकी टर्म, ये नहीं, ये जो एपोगेमी शब्द दिया गया था किसके द्वारा, डी बेरी के द्वारा 1878 में। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, फार्लो ने, कितने में, 1874 में। नाम क्या दिया था, किसमें ऑब्जर्व किया था, टेरिस क्रिटिका नामक टेरिडो फाइटा में। अब ये भी देखो दो तरीके की इन्होंने बता दी, एक तो होती है ओब्लिगेट एपोगेमी और एक होती है फैकल्टेटिव या फिर इंड्यूस्ड एपोगेमी। ओब्लिगेट एपोगेमी में तो क्या होता है, व्हेन बोथ और वन सेक्स ऑर्गन इज नॉन फंक्शनल और एबसेंट, मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन है, मतलब कि पुंधानी या फिर स्त्रीधानी, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो, या तो नॉन फंक्शनल यानी काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनमें कोई सा एक क्या हो, नॉन फंक्शनल हो या एब्सेंट हो। उस कंडीशन में आप तो देखो, उस कंडीशन में तो फिर आपके एपोगेमी हो ही जाएगी निश्चित, क्यों, क्योंकि अब बनेगा कैसे नया पौधा, जैसे मान लो ये नॉन फंक्शनल है स्त्रीधानी, तो इसी से क्या हो जाएगा, नया स्पोरोफाइट बनेगा। तो इस प्रकार की अपन क्या बोल देते हैं, ओब्लिगेट। जबकि ये फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव में क्या होता है, व्हेन गैमेटोफाइट एज फंक्शनल, मतलब कि ये जो गैमेटोफाइट है इसमें क्या है, एंथ्रीडिया भी होती है, इसमें एंथ्रेजोइड नर युग्मक, स्त्रीधानी जिसमें आपकी ये एग यानी मादा युग्मक भी बन रही है, ये दोनों फंक्शनल भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं पर फ्यूज नहीं हो पा रहे। ठीक है, इसमें क्या करा इन्होंने, अपने मन की मर्जी करी और इससे क्या बना दिया, स्पोरोफाइट, जरूरत पड़ी तो दोनों फ्यूज भी हो गए। तो इनके पास क्या, फैकल्टी भी है, क्यों, क्योंकि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो क्या है वो नॉर्मल है या फंक्शनल है। ठीक है, आगे बात समझे, तो ये किस में मिल रही है आपको, ऑस्मुंडा और एडियंटम में, जबकि ये आपको किस में मिल रही है, डायप्टेरिस स्पीसीज ऑफ टेरिस, डायप्टेरिस एस्पेलिनियम डिप्लेजियम एडियंटम ऑस्मुंडा पोलिस्टिकियम। तो ऑस्मुंडा में आपको दोनों चीज़ें मिलने को मिल रही है। ठीक है, हमारी बात समझें, फिर आप देखो ये कह रहा है, इन फर्न्स ऑफ ड्राई हैबिटाइट यूजुअली ओब्लिगेट एपोगेमी इज एन एडेप्शन टू ड्राई कंडीशन, मतलब ऐसे टेड फर्न जो कि कहाँ पे उगते हैं, ड्राई हैबिटाइट मतलब कोई डेजर्ट में उग रहा है, मान लो
ये फर्न है, ये इस डेजर्ट यानी रेगिस्तान में उग रहा है। तो इस फर्न में, यह फर्न क्या है, वही टेरिडोफाइट, इसमें ऑब्लिगेट एपोगेमी पाई जा रही है। तो वो ऑब्लिगेट एपोगेमी वास्तविकता में इस फर्न को, इस डेजर्ट के लिए एक अनुकूलन है वो। अरे बात समझ में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज ही नहीं हो पा रहे, पानी नहीं है डेजर्ट में, तो मेल गेमेट अपने आप ही अकेला नया स्पोरोफाइट का निर्माण कर देता है। तो एक तरीके से इस एपोगेमी का पाया जाना वहाँ पे उसको डेजर्ट में एक तरीके से क्या प्रदान कर रहा है, अनुकूलता प्रदान कर रहा है। ये डायग्राम के द्वारा ये दिखाई गई है यहाँ पर आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपकी यह जो दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, एपोस्पोरी एंड एपोगेमी, इनमें क्या है, नॉर्मली टिप्पणी आपके लेवल के एग्जाम में आ जाती है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में एक पूछ लेता है 1 नंबर का, भैया एपोस्पोरी क्या है या एपोगेमी क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में हम टेरिडोफाइटा की एक एक क्लास का मेंबर लेंगे, ठीक है।